सो गाइस, अगर आप भी एटू मोटिवेशनल की तरह शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो और आप भी लाखों या फिर करोड़ों में व्यू पाना चाहते हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप एटू मोटिवेशनल की तरह फेक कहां से ला सकते हैं और वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं और वीडियो शूट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिएगा। सो गाइस, फैक्ट लेने के लिए सबसे पहले आ जाना अपने गूगल में। गूगल में आने के बाद यहाँ पर लिखना है डेली फैक्ट इन हिंदी। डेली फैक्ट इन हिंदी सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आर्टिकल खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा अच्छा फैक्ट आ गया। यहाँ पर दुनिया का सबसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसी तरह का आपका यहाँ से आप फैक्ट खोज सकते हैं। और दूसरा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक से आप फैक्ट, और तीसरे नंबर पे है बड़े बड़े एंड पॉपुलर न्यूज चैनल से आप खोज सकते हो, जैसे एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज से भी आप फैक्ट खोज सकते हो। यहाँ पर आप इनके वेबसाइट पे जाना और वहाँ डेली फैक्ट इन हिंदी पर से खोज सकते हो या फिर कहीं से भी खोज सकते हो। सो गाइस, फैक्ट तो खोज ले। अब थंबनेल कैसे बनाना और वीडियो कैसे एडिट करना है। सो गाइस, एटू मोटिवेशनल सर की तरह वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले अपना सबसे पहले एक एप्लीकेशन चाहिए, पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिक्सेल ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ओपन कर देना। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट पे क्लिक करना। डिफॉल्ट पे क्लिक करने में यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन पे करके डिलीट कर देना। यहाँ पर इमेज साइज पे क्लिक करना। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद आप अपना इमेज चूज कर सकते हैं। आप कस्टम रखना चाहते हैं, स्क्वायर रखना चाहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर रखना चाहते हैं, आप जो भी रखना चाहते हैं वहाँ पर से। यूट्यूब थंबनेल हमें रखना है, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी कलर चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। मैं एटू सर की तरह एलो चूज करता हूँ। एटू सर एलो ज्यादा रखते हैं तो एलो चूज करने के बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना। सही के ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर दूसरे नंबर पे क्लिक, फिर तीसरे नंबर पे क्लिक करना। फिर यहाँ पर इंपोर्ट, इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी स्क्रीनशॉट या फिर फोटो डाउनलोड किया हो वो सिंपली आपको ऐड कर देना। मैंने ताजमहल का फोटो एक डाउनलोड किया था, वो ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही फोटो है, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। इस तरह ऐड करके स्क्रॉप करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिस तरह एटू सर के वीडियो रहता है उसी तरह एकदम सेम टू सेम इतना अट्रैक्टिव दिखेगा कि अगर आप इस तरह थंबनेल बनाएंगे तो आपका वीडियो 100% वायरल होगा। वायरल होने से आपका वीडियो यूट्यूब भी नहीं रोक सकता। सो गाइस, कुछ ऐसा सेट कर देना। सेट करने के बाद यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एडिट कर, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी लिखना हो लिख दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ सिंपली। सो गाइस, मैंने ताजमहल लिख दिया। ताजमहल लिखने के बाद यहाँ पर आप साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपको जो भी करना हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट मिल जाता है। मैं सबसे ज्यादा ये यूज करता हूँ तो ये यूज करूंगा। और साइज के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे का साइज बढ़ा देते हैं। सो गाइस, साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पर कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोई भी कलर ले सकते हो। मैं सिंपली ब्लैक लूंगा क्योंकि ब्लैक एक्टिव लगेगा। और कलर को मैं एक ही वर्ड सिर्फ अलग करूंगा, कोई भी एप्लीकेशन सिर्फ एक वर्ड अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और आगे भी इस तरह आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक फोटो ले लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड काट लीजिएगा। बैकग्राउंड काटने के बाद यहाँ पर वो फोटो लेने के बाद यहाँ पर इस तरफ एटू मोटिवेशनल सर की तरह आप लगा दीजिएगा। आप अपना फोटो ले लीजिएगा, इस तरह लगा दीजिएगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे जो भी लिखना हो आप लिख दीजिएगा। सो गाइस, आप अट्रैक्टिव देखने के लिए आप यहाँ इसे यहाँ भी लगा सकते हैं, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, पर अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। सो गाइस, बताते हैं कि आप वीडियो एडिट कैसे कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले अपना काइंड मास्टर ओपन कर लेना। अगर आपके पास काइंड मास्टर मोड एपीके नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर दीजिए। काइंड मास्टर को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। और प्लस के आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर स्क्वायर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। स्क्वायर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जिस तरह एटू मोटिवेशनल सर वीडियोज बनाते हैं उसी तरह एकदम सेम उसी तरह बनाएंगे। जो वीडियो हमने डाउनलोड किया था वो देख लेते कहाँ पर है और उसे यूज करते हैं। सो गाइस, वो वीडियो हमें फाइनली मिल चुका है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना। मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना। बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर येलो वाला जो है बैकग्राउंड उसे चूज कर लेना। और इसे जितना आपका वीडियो रखना है, लेंथ रखना है, उतना इसे क्रॉप करके उतना ज़्यादा कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है। डुप्लीकेट टूल लेयर पर क्लिक कर देना। डुप्लीकेट टूल लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर अपना फर्स्ट में ला देना है। फिर यहाँ पर इसे स्क्रॉपिंग कर देना। स्क्रॉपिंग करने के बाद सो गाइस, स्क्रॉपिंग करके कुछ ऐसा लगा देना। फिर लगाने के बाद यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर ताजमहल के जिस तरह का आपका फैक्ट वीडियो होगा उस तरह लिख देना। कुछ ऐसा लिख लेना, ये उतना अच्छा बना तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा।
सो गाइस नीचे ऐसा लिख के पूरा इसे पूरा स्क्रॉल डाउन करके इसे पूरा फैला देना, फिर यहाँ पर सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सो गाइस हमारा फाइनली बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें करेंगे वॉइस ओवर। वॉइस ओवर करने के लिए आपको सिंपली वॉइस पे क्लिक करना। वॉइस पे क्लिक करने के बाद आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते। तो सबसे पहले मैं ताजमहल की कुछ अमेजिंग चीज़ बता देता हूँ। सो सबसे पहले अपने वॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करना। वॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना। दोस्तों क्या आप जानते हो ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था? और क्या आप जानते हो कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने उन सभी के हाथ थे? सो ऐसा बोल के आप स्टॉप पे क्लिक कर देना। स्टॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार रिव्यू करके आप अपना वॉइस को देख लेना। यहाँ पर वॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे फुल कर देना। और आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। यहाँ से लगाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन था एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट करके यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना। हम मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।